जैसे ही 10 मई का दिन नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही गेस्ट टीचर्स के मन में भी सवालों की लंबी सी लिस्ट बनती जा रही है। आखिर 10 मई के बाद क्या होने वाला है गेस्ट टीचर्स के साथ, आपके सभी सवालों के जो जवाब है वो इस वीडियो में हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप घर पे होंगे, स्वस्थ कुशल मंगल से होंगे। काफी सारे दोस्त स्कूलों में भी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा अपना ध्यान ज्यादा रखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय। दोस्तों, काफी सारे दोस्त ऐसे भी होते हैं जो थोड़ी देर वीडियो को देखते हैं और वीडियो को छोड़ के आ जाते हैं और अपने सवाल को कमेंट में रखते हैं। दोस्तों, ऐसे में आपका कई बार सवाल, जो आपका डाउट होता है, वो वीडियो में रखा होता है, लेकिन आप उसे छोड़ के पहले ही आ जाते हैं। पूरी वीडियो को जरूर देखिए, कंप्लीट नॉलेज आपको जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, हम बात करते हैं 10 मई के बाद क्या होने वाला है। तो अभी मैं बात करूं, काफी सारे स्कूलों में फरवरी और मार्च की सैलरी नहीं आ रही है, काफी की दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बात करूँ कि कुछ बैंक यहाँ पर मर्ज हुए थे, इसलिए भी प्रॉब्लम आ रही है मर्जिंग में। मार्च की सैलरी की दिक्कत जहाँ तक है कि काफ़ी जो SBI जिनका मतलब जिनका SBI में खाता है, उनमें जो ट्रांजेक्शन है वो थोड़ा सा लेट हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो रिलीफ फंड है PMO के जो खाते में, वो यहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हैं SBI खाते के माध्यम से। तो वहाँ पर SBI वालों को थोड़ा सा टाइम जरूर लगा, लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूँ कि सरकारी पैसा एक भी रुपया कहीं नहीं डूबता है, तो सबको सैलरी मिलेगी। थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखें, किसी को जल्दी मिल सकते हैं, कहीं लेट हो सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर 10 मई जैसे नज़दीक आ रहा है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि अभी पढ़ाई चल रही है, टीचिंग कर रहे हैं, काफ़ी सारे दोस्त ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, जूम एप्लीकेशन से हो, व्हाट्सएप के थ्रू हो, पर्सनली हो, ऑडियो वीडियो जो भी है, काफ़ी सारे सोर्सेज के माध्यम से पढ़ाई चल रही है बच्चों की। तो यहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है, यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई आप करवाते रहिए। साथ में काफ़ी सारे टीचर्स की ड्यूटी लग रही है खाना बांटने में, राशन बांटने में, तो आप अपनी ड्यूटी वहाँ देते रहिए। 10 मई की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है आपने, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना आपने सभी अपने बाकी दोस्तों के साथ, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक अच्छी न्यूज़ है, ये है कि 10 मई के बाद कोई भी हटने वाला नहीं है दोस्तों, कंटिन्यू बने रहेंगे। तो बात रही 10 मई को टर्मिनेट की, तो टर्मिनेट बिल्कुल नहीं होते आज के टाइम में। पहले था कि 10 मई को टर्मिनेट हो जाते थे, फिर से 1 जुलाई को नई आईडी मिलती थी, नई ज्वाइनिंग होती थी, लेकिन आज रिन्यू होता है। और रिन्यू के लिए देखो, भले ही आप जुलाई से आते थे, 10 मई को स्कूल बंद हो गया, तो देखो स्कूल बंद है तो सैलरी नहीं मिलती थी, लेकिन वहाँ पर भी जो टीचर्स रिमेडियल क्लास में आते थे, बुनियाद क्लास में आते थे, और काफ़ी सारे स्कीम जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जाते थे उनमें आते थे, उनकी सैलरी बनती थी, क्योंकि ऑनलाइन नाम रहते थे। हटता बिल्कुल भी नहीं था किसी एक का भी नाम, तो आप माइंड से हटा दीजिए कि नाम हटेंगे, कंटिन्यू बने रहेंगे। अब बात यहाँ पे आती है सैलरी की, तो सैलरी जरूर बनेगी, क्योंकि सबको मिल रहा है, तो दिल्ली सरकार गेस्ट टीचर्स को भी भूखा नहीं मारेगी। यहाँ पर ड्यूटी जो है वो कंटिन्यू चलेगी, भगवान करे लॉकडाउन जल्दी खत्म हो जाए, तो दोनों ऑप्शन है, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब भी बनी रहेगी, और लॉकडाउन चलेगा तब भी। हम उम्मीद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आप भी प्रार्थना कीजिए जल्दी लॉकडाउन ठीक हो जाएगा, क्योंकि अगर लॉकडाउन ठीक हो जाता है तो जो ये अभी पढ़ाई का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डामाडोल स्थिति हो रही है, वो कंटिन्यू रहेगी जून में, तब भी सैलरी बनेगी। अगर लॉकडाउन कंटिन्यू रहता, भगवान ना करे, तो भी यहाँ पर जो सेवाएं हैं वो गेस्ट टीचर देते रहेंगे, पढ़ाई ऑनलाइन चलती रहेगी, साथ में खाना बांटना, राशन बांटना, और क्वारंटाइन सेंटर वगैरह में सबकी गेस्ट टीचर्स की ड्यूटी लगाई जा रही है, तो सबकी ड्यूटी चलती रहेगी, सैलरी सबको मिलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप पढ़ाई पे, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उस पे आप फोकस कीजिए, कोई भी डाउट हो आपको तो अब आप कमेंट में जरूर रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, टेंशन फ्री होके, क्योंकि दोस्तों सैलरी मिलेगी, जरूर मिलेगी, बस भगवान से दुआ करनी है, ऊपर वाले से प्रार्थना करनी है कि बहुत जल्दी ये समस्या, ये महामारी हमारे देश से साफ हो, ताकि हम बच्चों से मिल पाए स्कूल में बहुत जल्दी, और पढ़ाई का जो प्रॉपर जो सिलसिला है वो जारी होता रहे। धन्यवाद।